की बात करेंगे। इस राइमर टीमर में क्या होता है कि जब हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, किससे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सेल्सल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? सेल्सल्डिहाइड, यानी बेंजीन के ऊपर OH और CHO दोनों ही रहेंगे, तब जाके क्या होगा, सेल्सल्डिहाइड। तो अब हम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास क्या होगा, फिनॉल, क्या होगा, फिनॉल। और इस फिनॉल का जो रिएक्शन है, इस फिनॉल का रिएक्शन हमें किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म, किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा लो तो NaOH, और जैसे ही इससे हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेल्सल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, सेल्सल्डिहाइड। तुम्हें ये दिख रहा है फिनॉल है, फिनॉल है, ये CHO, CH किससे जाकर रिएक्ट करेगा, O से, तो क्या बना लेगा, CHO। तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, बेंजीन तो है, क्या है, बेंजीन है, इसके ऊपर OH तो है पहले से ही, और ये हो जाएगा CHO प्लस, यहाँ देखो Na किससे रिएक्ट करता है, Cl से, लेकिन यहाँ तो तीन है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तीन से, तो हो जाएगा 3NaCl, कितना हो जाएगा, 3NaCl प्लस 2H2O भी बचेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सेल्सल्डिहाइड, क्या है, सेलिसिलेडिहाइड, सेलिसिलेडिहाइड। और ये क्या है तुम्हारा, फिनॉल, क्या है, फिनॉल, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है कि ये क्या तुम्हारा है, क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम राइमर टीमर की अभिक्रिया कर सकते हो। 12th वालों के